स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। आप खेल रहे हो? ऑफ कोर्स ये 1000 की ब्लाइंड देख लो भाई, देख रहे, चेक कर लो। नहीं चुके पीजी, मैं आपके पास रहूंगी ना तो आप पक्का जीत जाओगे। वो क्या है ना, मैं आपके घर की लक्ष्मी जो हूँ। ये मेरी तरफ से ऑलिट शो बेटा। ठीक है बीजी। ओ जी, आपने मेरे कमर के दर्द का मलहम देखा है? भाई अब आपका सीधा मुकाबला इस गेम की चैंपियन के साथ है। क्योंकि कोई खेल नहीं रहा इसलिए फुल ऑन अटैक मारो, सोच समझ के। वीरेन, ये हमारी चाल। तो ये उससे भी डबल हमारी चाल। भाई कम से कम अपने कार्ड तो देख ले यार। वीरेन, इस बार तुम अपने पत्ते जीविका से उठवाओ, हो सकता है जीविका तुम्हारे लिए लकी हो। सिर्फ इतना बताइए कि हम आगे खेले या ना खेले। खेले आए हाय। अब तो आई एम कमिंग इन वेरी स्ट्रॉन्ग। ये मेरी चाल। अच्छा तो हमारी तरफ से डबल। वैसे विरेन, हमारी मानो तो जितनी रकम तुमने जीती है ना, इसे उठाकर गेम छोड़ दो, क्योंकि हर हाल में हम जीतने वाले हैं। और ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी जीती हुई रकम से अपने हाथ धोने पड़े। क्यों? बुआ की बात मान लो भाई, ये कभी हारती नहीं हमेशा जीतती है। ये मेरी चाल और ये हमारी चाल। ठीक है तो ये हमारी चाल, लेकिन शो के लिए। क्या है कि तुम पर तरस खाकर हम चाहते हैं कि तुम अपने पत्ते दिखा दो, बट 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 उसके पहले हम अपने पत्ते दिखाएंगे तुम्हें। डन डन। और ये लास्ट कार्ड। ऑफर ले लो, हमने कहा था ना वीरेन। वैसे अब अपने पत्ते तो दिखाओ, हम भी देखें कि हमारी होने वाली बहू क्या क्या पत्ते निकाले हैं इसने।
शादी नहीं हुई है, कहीं ऐसा ना हो जीविका केस कर दे और हम सीधा अदालत में मिलेंगे। तेरी सबके अलावा ये तो बिल्कुल वो हम आपके कौन वाला मोमेंट हो गया कि एकदम लव टाइप। आई एम रियली सॉरी। सॉरी किस लिए विरेन? हमने कहा था ना कि जीत हर हाल में हमारी है, तुम्हारी जीत हमारी हार तो नहीं हो सकती ना। जीत है हमारी, हम जीत गए। ठीक है बड़ी माँ, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे हर इनाम पर सबसे पहले आपका हक बनता है। हमारा विरेन सब तुम्हारा ही तो है। चलो भाई अब सब चलकर आतिशबाजी का लुत्फ उठाएंगे। चलिए ठीक। ये फुलझड़ी एक और 15 लोग कैसे चलेगा दी? इस रेशो से चलते रहे तो फिर अगले साल तक दिवाली मिलेगी। चुप कर मम्मी, यहाँ की रीत होगी। हमारे घर में पटाखे छोड़ने से पहले ये परंपरा निभाई जाती है। और जीजू एक साथ कितने क्यूट लग रहे हैं। दादाजी चाहते कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। पटाखे जलाने के लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या दी? अगर ये मेरा घर होता ना, मैं तो अभी तक आधे से ज्यादा पटाखे फोड़ चुकी होती। तो ये आपका घर नहीं है? नहीं, ये मेरी दी का घर है और भी होने वाला है। यार वैसे साली आधी घरवाली होती है तो उस हिसाब से ये घर आपका भी हो ना आधा। मतलब कि आप आधे पटाखे फोड़ सकती है? सच में? हाँ जी। लेकिन मुझे तो बैठने के लिए बोला गया। अच्छा, और आप बैठ गई? बड़ी बात मानने लगी है, क्या बात है? मुझे तो लगा कि आप बस अपनी सुनती हैं। वो तो मैं सिर्फ अपनी ही सुनती हूँ और इस वक्त मैं रॉकेट जलाने के मूड में हूँ। रॉकेट जलाने के लिए अपनी सीट से उड़ना पड़ेगा। ऐसे रॉकेट को देखने से रॉकेट अपने आप नहीं उड़ जाएगा। सीट से उठिए, गो ऑन, गो शूट। हमारे यहाँ पटाखे नौकर चलाते हैं, हम सिर्फ आतिशबाजी का आनंद देते हैं, ओके? अब और नहीं मानवी बेटा, अब बाकी की आतिशबाजी का नजारा तुम हमारे साथ बैठकर देखो। मैंने फिर से रंग में भंग कर दिया। मैं हमेशा से क्यों कर बैठती हूँ यार। ये सब उस विराट की वजह से हुआ है।
ये मेरा कमरा है और शादी के बाद तुम्हारा यानी कि हमारा कमरा। ये तस्वीर मैंने खास यहीं लगवाने के लिए खिंचवाई थी ताकि हमेशा तुम्हें अपने परिवार के साथ होने का एहसास रहे। किरण जीविका, मैं सोच रहा था कि जीविका आप क्या सोच रहे थे? मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या पसंद है, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा इसी चीज के बारे में बात करें। तुम क्या सोचती हो, तुम्हारी क्या पसंद है, मेरे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो तुम क्या सोच रही थी? यही कि अभी तो मैं ऋषिकेश चली जाऊंगी अपने परिवार के साथ, लेकिन कुछ ही दिनों में वो वहां और मैं यहाँ। कितनी अजीब बात है, हम लड़के शादी के वक्त हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे घर खुशियां आने वाली हैं, एक नया हम सफर आने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों हम ये बात भूल जाते हैं कि नया जीवन साथी एक पत्नी बनने से पहले किसी की बेटी है, किसी की बहन है, जो अपनी दुनिया अपना घर छोड़कर हमारे साथ हमारे घर में रहने आ रही है। एक इंसान के लिए अपना सब कुछ त्याग देना, क्या हम लड़के इतने बड़े बलिदान के लायक भी होते हैं? लड़कों का पता नहीं, पर आप है। चलो ठीक है, मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि हमारी शादी के बाद हम हर साल पूरे एक महीने के लिए तुम्हारे घर ऋषिकेश में रहेंगे। एक पूरे महीने का घर जमाएं। क्यों? ये सुनकर मानी तो बहुत खुश होगी। जीविका बेटे, चलो आपके जाने का वक्त हो गया। जी चाची। चाची, दो मिनट और प्लीज। आपका समय शुरू होता है अब। कोई नहीं जी, कोई नहीं, चल। जाने देने का मन नहीं कर रहा। बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। अगर ऐसी बात है तो ये इंतजार हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत इंतजार होगा, जिसके बिताए हुए हर एक पल में हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तू है जीने की अदा, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ। वीरेन भैया, आपके दो
दो मिनट हो गए। देखा मैंने क्या कहा था? क्या उस इंतजार के अब सिर्फ दो ही पलों हैं और तुम मेरे इतने करीब हो। चलती हूँ अब कब आती हूँ अपने इस घर। नमस्ते। चाचू एक बात बताना, ये घर तक छोड़ के आने की कोई रसम नहीं है? होगी शायद, बाबूजी से पूछ के आता हूँ। चाचू यार क्या कर रहे हैं, मरवाओ यार। संजय मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा था कि वो पानी पानी रखिए गाड़ी में। क्या बात है वीरेंद्र बेटे? माँ ने जो नाश्ता दिया था वो रख लिया? जी ले लिया। ठीक है। मैं क्या कह रहा था वो कि जीजू हमने सब कुछ ले लिया, बस आपकी कमी है, आपको ले चले क्या? सितारे भी वही है, वही ये चांद भी है, अब रोशनी है कल से कुछ ज्यादा। कि तेरी ही नजर ने दिखाए लाख रंग है, तेरे बिन था ये मौसम कल तलक सादा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदा। तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।